अगर आपने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मन बना रहे हैं तो भी आपको डिसीजन लेने में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। वेलकम टू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। मैं डॉक्टर सौम्य पांडे, लगभग 1500 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज और 5 मिलियन से ज़्यादा हेयर फॉलिकल लगाने के बाद आपको आज शेडिंग फेज के बारे में कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। शेडिंग फेज क्या होता है? ये एक हेयर ट्रांसप्लांट का एक प्रोसीजर है या एक स्टेप है जो कंपलसरी सबके साथ होता ही होता है। शेडिंग फेज हेयर ट्रांसप्लांट के लगभग 15-20 दिन के बाद से स्टार्ट होता है एंड 3 महीने, 3.5 महीने तक अमूमन ऑन एन एवरेज लगभग सारे पेशेंट्स को चलता है। जो मैंने इस पीरियड आपको बताया है 15 दिन से 3, 3.5 महीने का, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। किसी का शेडिंग फेज 1 महीने से 4, 5 महीने तक भी चल सकता है। किसी का शेडिंग फेज फ्रॉम 1 वीक भी स्टार्ट हो सकता है एंड इट कैन बी एट शॉर्ट एज यू नो 1 मंथ या 40 डेज। तो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो भी हेयर फॉलिकल्स या जो जड़ आपके हेयर ट्रांसप्लांट में लगाए गए हैं वो शेड करते हैं, मतलब वो झड़ते हैं। तो इस समय पेशेंट यू नो कॉन्फिडेंस जनरली लूज कर जाते हैं। जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की हुई है हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, उनको लगता है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, या उनके आसपास के लोग उनको ऐसा बताते हैं कि तुम्हारे बाल तो झड़ गए, तुम्हारा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के समय या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेज एक कंपलसरी पार्ट है जो होगा ही होगा। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बाल आपके शेड होते हैं वो 3, 3.5 महीने के बाद वापस ग्रो करने लगेंगे। तो ऑन एन एवरेज जैसा मैंने बताया लगभग 3, 3.5 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स आपके बाल अच्छे से आना स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 6 महीने तक एक आई वुड से कि अगर अच्छी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, अच्छी डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आपका जो बॉल्ड एरिया है वो लगभग कवर हो जाता है। ऑफकोर्स उतने डेंस नहीं लगते बाल, डेंसिटी तो आपको फाइनल 10-12 मंथ्स में ही आएगी, बट 6 मंथ में लगभग ग्रोथ इतनी आ जाती है कि आपका स्कैल्प जो है बॉल्ड नहीं दिखता, बाल दिखते हैं पूरे स्कैल्प में और आप कोम भी कर सकते हैं, इतनी डेंसिटी आ जाती है। तो बिल्कुल निराश मत होइए जब शेडिंग फेज रहता है। यू नो हेयर ट्रांसप्लांट का जो बेस्ट फेज रहता है या सबसे अच्छा जो दिखता है हेयर ट्रांसप्लांट, वो ट्रांसप्लांट के 15 दिन के बाद से दिखता है, 15 दिन के बाद दिखता है, सॉरी 15 दिन के बाद जो भी ग्राफ्ट आपके लगाए गए थे सब में लगभग 2-3 mm के मिलीमीटर्स के हेयर आ जाते हैं, तो अच्छा डेंस लगता है। बट इसके बाद जो शेडिंग फेज स्टार्ट होता है वो सबसे बुरा फेज होता है ट्रांसप्लांट का, खासकर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो जितने बाल लगे थे हार्डली उसमें से 30-40% बाल ही दिखते हैं शेडिंग फेज में। यू नो बॉल्ड पैचेस दिखते हैं, बाल दूर दूर दिखते हैं, तो पेशेंट बड़े डिसहार्डन्ड हो जाते हैं। तो घबराइए नहीं, ये सबके साथ होता है जिसने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। और बाल अगर अच्छे सेंटर पे लगे हैं, अच्छे से लगे हैं, तो वो बाल जो लगे हैं, जो फॉलिकल्स जो लगे हैं, वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस समय आप अपने क्लिनिक के या सेंटर के कॉन्टैक्ट में रहिए, जो वो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए, और जो मेडिसिन वगैरह वो बताते हैं वो बिल्कुल अच्छे से लगाइए, अच्छे से खाइए, स्किप मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिन का रोल ड्यूरिंग शेडिंग फेज। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के नीचे और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू।